अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज सोच रहे होंगे आपके हम क्या कर रहे हैं, तो जनाब आज हम बना रहे हैं घर में चिकन शवारमा। तो साथ साथ में हम बनाएंगे चिकन शवारमा और कुछ करेंगे आपसे गप्पे शप्पे। और ठंड बहुत है तो गोश्त तो है 700 रुपये किलो। तो मैंने पोस्ट देखी थी कि गोश्त तो 700 रुपये किलो हो गया है और चिकन शवारमा अभी भी 100 का है, तो इसमें माजरा क्या है? तो उस माजरे से बचने के लिए हमने घर में चिकन शवारमा बनाना है। तो चलते हैं साथ साथ बनाते हैं चिकन शवारमा और आपको इसकी रेसिपी भी देते हैं और साथ साथ में करते हैं इंजॉय। इसके अंदर हमने गोश्त लिया था आधा किलो। गोश्त के अंदर हमने मसाला 2 चम्मच चिकन टिक्का मसाला इसके अंदर डाला और साथ में हमने 1.5 चम्मच डाल लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में हमने इसमें डाल दिया गरम मिर्च का 1/2 चम्मच और इसको हमने 20 से 25 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा आपकी मर्जी है जितनी देर इसको मैरिनेट करके रखना चाहिए। उसके बाद इसको हमने घर में जो तवा है आम रोटियां बनाने वाला उसके ऊपर हमने रखा और इसको हल्की आंच के ऊपर हम अब इसको पका रहे हैं। अब जहन में ये बात रखनी है कि इसको नीचे नहीं लगने देना ताकि ये जल ना जाए, थोड़ा सा ये पक जाए, इसका पानी सूख जाए और आप चेक कर लें कि ये रोटी नरम हो जाए। ये देखिए ये बोटी नरम कर लें उसके बाद और पानी सूख जाए फिर आप इंशाल्लाह मजीद कर सकते हैं। मौसम की सुनाएं, मौसम बहुत ठंडा है, बच्चों को सर्दी से बचाएं इस मौसम के अंदर, क्योंकि बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है। इसमें कोशिश करें कि बच्चे आपके जो है वो सर्दी से बचें, बच्चों को तकलीफ होगी तो सारे घर को तकलीफ होगी। तो साथ साथ बना रहे हैं जनाब चिकन शवारमा और साथ साथ हम कर रहे हैं अपनी बातें। क्या ही जबरदस्त खुशबू आ रही है, क्या कमाल की खुशबू आ रही है, जबरदस्त। इस खुशबू में चक्कर में नहीं रहना, इसको बचाना भी है कि ये नीचे ना लग जाए। चिकन हमारा इस शक्ल में आ चुका है, इसकी बुनाई भी हो चुकी है, ये पक चुका है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसेस कम लग रहे हैं, तो स्पाइसेस के लिए हम थोड़ी सी और इसके अंदर दरा मिर्च और डाल देंगे, ताकि ये हमने सिरका लगा के रखी हुई थी ताकि जो हमने बाद में शवारमा के ऊपर लगानी थी ये उसके लिए हमने बना के रखी थी, तो इसमें से थोड़ी सी हम मज़ीद इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकन मज़ीद स्पाइसी हो जाए। तो इसमें स्पाइसी होने से ये होगा कि आप बाद में जो लगाएंगे ब्रेड के ऊपर लगाएंगे वो आप कम लगा लें, लेकिन ये चिकन के अंदर पूरा टेस्ट आएगा। अब उसके साथ चिकन के अंदर मैं कुछ अजाफी चीज़ें ऐड करने लगा हूँ। ये है हमारे पास, ये मैंने इसको प्याज और बंद गोभी इसको मैंने कर लिया था चॉप कर लिया छोटे छोटे पीसेस में, ये देखो चॉप करके मैं अब इसको भी इसी के अंदर हल्का सा इसकी भी पकाई कर लूँगा, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। हम मायोनीज भी ऐड करेंगे, वो घर में बनाई हुई मायोनीज है, इसके अंदर वो मायोनीज भी ऐड करेंगे। वो कब ऐड करनी है इसको मैं आपको बताता हूँ, इसकी थोड़ी सी बुनाई हो जाए उसके बाद मायोनीज ऐड करेंगे। इसके अंदर 2 हमने सब्ज मिर्चें डाल दी हैं, जरा टेस्ट अच्छा आ जाता है और स्पाइसी हो जाती है। ये
अब मजीद माशाल्लाह ज़बरदस्त हो रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है और इसकी चकाई भी ज़बरदस्त हो रही है। अभी ये थोड़ा सा खुशक है, इसके अंदर हमने ऑयल नहीं डाला, जो चिकन का अपना पानी था उसी के अंदर इसको हमने पकाया, इसके अंदर हमने मज़ीद अजाफी पानी भी नहीं डाला और इसके अंदर हमने ऑयल भी नहीं डाला, घी भी नहीं डाला। वो जो उसको जूसी करने के लिए हम इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो है मायोनीज, तो उसको भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसकी पकाई हो जाए। ये जो हमने इसके अंदर सैलड डाली है उसकी अभी ये थोड़ी सी पकाई हो जाए, उसके बाद इसके अंदर हम मायोनीज ऐड करेंगे। अभी अभी देखिए ज़रा खुशबुएँ, माशाल्लाह क्या बात, क्या बात है, खुशबुएँ क्या ज़बरदस्त आ रही हैं। सर्दी का मौसम हो और जनाब आप घर में सर्दी भी इंजॉय करें और साथ में शवार में घर में बनाएं, और उसकी क्या बात है, इस जैसा कोई जायका नहीं है। आँच बिल्कुल हल्की रखनी है, आपने आँच इसकी तेज़ नहीं करनी, क्योंकि आँच तेज़ करेंगे तो समझ लें ये जल जाएगा, नीचे लगेगा, आपके लिए मसला बन गया। बिल्कुल हल्की आँच के ऊपर, जिसके अंदर ही आप बेहतरीन पकाई कर सकें, उस पकाई में इसको पकाएं। आपसे कंट्रोल और संभाला जाए, नीचे तो लगे ना, क्योंकि नीचे लगेगा स्मेल आएगी, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी संभालना, तो जितना आप संभाल सकें सकते हैं उतनी ही इसके अंदर आँच रखें। एक दफ़ा आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आप बाज़ार का शवारमा भूल जाएंगे। पैसों के हिसाब से भी घर में बनाने में आपको आसानी है, सस्ता पड़ता है बाज़ार से और चीज़ भी मियारी है। आपको पता है आपने क्या डाला है, क्या बनाया, वो 100 रुपये का शवारमा और 700 रुपये की चिकन वाली जो बात मैंने करी थी वो इसलिए करी थी, घर में बनाएं, आराम से खाएँ, ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। यहाँ पर आके इसके अंदर हम डाल देंगे मेयोनीज़, ये घर में बनाई हुई है, इसके अंदर हम 2-3 चम्मच इसके, क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या बात है। इसके साथ जो है वो हमारा चिकन थोड़ा सा जूसी भी हो जाएगा और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाएगा। क्या बात है, मज़े, याद करेंगे आप इन घर में बनाएं, आप याद करेंगे तो चीज़ बनेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा जूसी भी हो गया है हमारा, ये जो है अब चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके लिए ब्रेड रेडी करनी है, तो उसके बाद हमारा शवारमा तैयार है, इसका इतना ही काम है। चूल्हा हम कर देंगे बंद, अब इसको हम निकाल लेंगे किसी और चीज़ में, ताकि इसके ऊपर अब क्योंकि घर का निज़ाम है तो इसी के ऊपर हमने ब्रेड भी करनी है, इसको हम कर लेंगे अलहदा और उसके बाद हम ब्रेड की तैयारी। तवा जो है ये अब फारी है, इसके अंदर हम जलाते हैं ऊंचे आग, आग जो है नीचे फिर हल्की रखनी है, आग तेज़ नहीं रखनी है, क्योंकि आग तेज़ रखेंगे तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा शवारमा। ये है ब्रेड शवारमा 4 पीसेस वाली, ये आपको मिलेगी 85 रुपीज़ की, 4 पीसेस होंगे। ताज़ी देख के ले आया है जी, पुरानी बुद्धी ना टूट लिया है। ये जनाब हमारी ब्रेड है, बस ब्रेड को हल्की हल्की आंच से सेकना है, ये जलानी नहीं है, इसको बस साइड बदलते रहना है इसकी, ताकि ये इसकी साइडें चेंज करते रहना। ये हमारा तवा था, इसी के अंदर हमने चिकन बनाया है,
तो ये हल्का सा ब्लैक हो गया। इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये जल नहीं रहा। ब्रेड को ऊपर रखे, इसकी साइडें चेंज करते रहना, इसको जलाना नहीं है, ठीक है। हल्का हल्का सा ये जब रेड हो जाएगा, इसकी यहाँ पे हल्का हल्का सा रेड होना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम इसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे। इसका मकसद है इसको थोड़ा सा कुरकुरी करना, और इसमें मकसद है थोड़ा सा इसको काना। हमारी ब्रेड जो है वो देखें रेड होना शुरू हो गई है, तो ये हमारी ब्रेड जो है वो अब रेडी है, ठीक है। इस तरह की प्लेट ले लें, कोई भी प्लेट ले लें, ये रखिए इसके अंदर मायनीज लगाएं जितनी आपका दिल करता है, ठीक है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, आप कुछ मायनीज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं वो ज़्यादा डाल लें, कोई कम पसंद करते हैं वो कम डाल लें, कोई मसला नहीं है। आप अपने घर में अपनी मर्ज़ी से चीज़ बना रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ही बनाएं, क्योंकि आप कौन सा बाज़ार से ख़रीद रहे हैं कि आपको पाबंदी है। कड़ा मिर्च जो हमने सिरके के अंदर जिसको हमने थोड़ी देर के लिए भिगो लिया था वो लगा ली। लो जनाब, बेहतरीन लुक, ज़बरदस्त टेस्ट। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिकन जो हमने बनाया था। इसके आपकी खुशी है, इसके नीचे आप बंद गोभी की सैलड डालना चाहें आप डाल लें, जो आपने करना है आप करें, लेकिन चूंकि हम घर में बना रहे हैं हम नहीं खा रहे, तो इसलिए इसके अंदर हम डाल लेंगे अभी चिकन, ठीक है। ये हम चिकन जितना मर्जी डाले जनाब, आपके अपने घर में बना रहे हैं, टेंशन ही कोई नहीं। आपको कोई पाबंदी है जो बाज़ार से ला रहे हैं तो थोड़ा ही डालना है। लो मौजे मारें जनाब, ये पेपर बटर पेपर, ये इकट्ठा हमने मंगवाया हुआ है घर में काम करता था, तो इस बटर पेपर को लेना है जहाँ से हम काटेंगे। ये रखे हैं आप इधर, देसी माहौल के अंदर आप शॉर्मा बनाए, कोई टेंशन नहीं, कोई लवाजमा लंबे चौड़े जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल माहौल में बनाए, घर के अंदर छत पर बनाए, अपने बच्चों के साथ मिलाए करें। ये बन रहा है शॉर्मा, जबरदस्त। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई हैवी किचन है आपके पास बर्तन है, कोई ज़रूरत नहीं। आपको मैं अगर सेटअप दिखाऊं तो आप देखें ये कितना सिंपल सा मैंने सेटअप में बनाया। आप घर की छत के ऊपर बनाएं तो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। आप बाहर नहीं जा सकते, अभी सर्दी है, बच्चों को लेके भी नहीं जाना चाहिए। घर की छत के ऊपर आप छोटा सा सेटअप बनाएं, बिल्कुल एक चूल्हा चाहिए, एक तवा चाहिए और सामान चाहिए थोड़ा सा। बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारें, इंजॉय करें बच्चों के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही रहते हैं, तो अगर किसी ने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी कर ले और साथ में शेयर भी कर ले। जज़ाकअल्लाह।